गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। माय नेम इज हीना एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली। और आज की हमारी रेसिपी है कॉटेज चीज ऑनलिप्स। तो आज हम बनाएंगे कॉटेज चीज ऑनलिप्स, जिसके लिए मैं यहाँ पर यूज करूंगी अमूल का अमूल गोल्ड मिल्क। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हेलो कंचन जी, हेलो मंजू जी। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने अमूल का गोल्ड मिल्क लिया, उसको मैंने बॉईल किया एंड हाफ कप वाटर में मैंने 1 टेबलस्पून विनेगर डाल के जो बॉइल्ड मिल्क था उसके अंदर डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, तो दूध जो है वो फट गया और वो एक कॉटेज चीज उसमें से निकला, पनीर। इस तरीके से ये क्रम्बल्ड पनीर है, ये होम मेड है और ये मैंने अमूल मिल्क से बनाया है। तो यहाँ पर हमने ये जो क्रम्बल्ड पनीर है, कॉटेज चीज, ये हमने रेडी कर लिया है। उसके बाद हम बनाएंगे एक डो। तो जो हमने जो लेफ्ट ओवर वे बचा, जो पनीर जो हमने बनाया कॉटेज चीज, उसमें से जो पानी निकला उसी पानी से मैंने एक डो लगाया। मैदे के अंदर मैंने पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर सॉल्ट डालकर एक सॉफ्ट डो लगा लिया। तो ये मैंने प्री प्रेप करके रखा है, एक सॉफ्ट डो मैंने लगा के रखा है और अब हम इसको थोड़ा सा स्मूदन अप कर लेंगे। थोड़ा सा आप कोई भी हाथ में ऑयल या बटर कुछ भी लगा के इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लें। इस तरीके से आप देखेंगे ये कितना, किस टेक्सचर का है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। मैं फिंगर डाल रही हूँ, एकदम इसमें फिंगर चली जा रही है। तो इस टेक्सचर का हमें डो गूंदना है, बिल्कुल सॉफ्ट सी, इतना सॉफ्ट हमें हम लेंगे मैदा एंड ऑल पर्पज फ्लावर और उसमें डालेंगे पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर सॉल्ट एंड जो हमारा पनीर में से जो पानी निकला, जो मिल्क अमूल मिल्क में से जो वे निकला, उसी से हम आटा गूंदेंगे। इससे क्या होगा, एक तो आटा जो है हमारा जो डो है वो बहुत अच्छा रिच बनेगा और दूसरा बहुत सॉफ्ट बनेगा और तीसरा न्यूट्रिशियस हो जाएगा। तो उसे हमें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसे हम आटा गूंद सकते हैं। तो यहाँ मैंने आटा गूंद के रखा है और कॉटेज चीज बना के रखा है। तो स्टार्ट करते हैं हम इसकी फिलिंग बनाना। तो फिलिंग बनाने के लिए मैं एक बोल में ये जो हमने कॉटेज चीज लिया ये ले लूंगी। कॉटेज चीज निकाल लिया था जो हमने ये लिया है और इसको मैं हाथों से थोड़ा सा क्रम्बल करके क्रम्बल कर दूंगी। क्लीन हैंड से हम इसको क्रम्बल करेंगे। साथ में मैं ऐड करूंगी इसमें बेल पेपर्स, ये मैंने रेड एंड येलो बेल पेपर्स लिए हैं, ये इसमें डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा, अराउंड 1 स्पून मैंने इसमें ये ऐड कर दिया इस तरीके से। और साथ में मैं ऐड करूंगी ग्रीन अनियन 1 स्पून और हाफ स्पून और ये ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ इसमें। ग्रीन चिलीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा डाल सकते हैं। हेलो कीर्ति जी, हेलो कीरत जी, हेलो कुसुम जी एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर ये हमने ले लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। तो उनकी हेल्प से तो यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा सोया सॉस डालूंगी, अराउंड ये डार्क सोया सॉस है तो मैं यहाँ पर हाफ अ स्पून लाइक 1 स्पून मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। और साथ में ऐड करेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर अकॉर्डिंग टू टेस्ट और इन सब चीजों को मैं मिक्स कर लूंगी इस तरीके से। साथ में ऐड करूंगी फ्रेश कोरिएंडर। तो ये हमारी जो कॉटेज चीज ऑनलिप्स बनाएंगे उसकी फिलिंग ये रेडी हो जाएगी, बहुत ही टेस्टी है। और इस टाइम पर आप इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, सोया सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है तो आप थोड़ा सा मतलब ध्यान से डालेंगे इसमें सॉल्ट। तो यहाँ पर मैंने सॉल्ट डाल दिया है और सॉल्ट डालने के बाद आप इस फिलिंग को टेस्ट कर लें। और साथ में मैं डाल रही हूँ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स थोड़ी सी, 1 स्पून।
तो ये इसमें बहुत अच्छी फ्रेशनेस देगी। इस तरीके से ये हमारी जो कॉटेज चीज और मिलक्स की फिलिंग है ये रेडी हो गई है। तो इस टाइम पर मैं इसके अंदर सॉल्ट टेस्ट कर लूंगी। बिकॉज सोया सॉस ऑलरेडी सॉल्टी होती है तो इस टाइम पर आपको सॉल्ट टेस्ट करना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ हमारी ये फिलिंग रेडी हो गई है, बहुत ही डिलिशियस और बहुत फ्रेश है ये, बिकॉज हमने ये होममेड कॉटेज चीज से बनाई है। साथ में कोरिएंडर इसमें अपनी फ्रेशनेस ऐड कर रहा है और साथ में हमने डाले हैं बेल पेपर्स और ग्रीन अनियंस। तो अब यहाँ पर रोलिंग पिन पर मैं ये यहाँ पर रोलिंग बोर्ड पर मैं इसको रोलिंग पिन से बेल लूंगी। तो यहाँ थोड़ा सा ड्राई फ्लावर लगाऊंगी मैं इसको। और स्मॉल स्मॉल इसके हम पोर्शंस कट कर लेंगे इस तरीके से। और थोड़ा सा फ्लावर लगा के मैं इसको बेल लूंगी। थोड़ा सा स्ट्रेच करके इसको हम बेलेंगे। और इसको पकाने के लिए हम यूज करेंगे ग्रिल पैन। हेलो रमेश जी, तो आई होप आपको ये रेसिपी क्लियर होगी। फिलिंग बनाने के लिए मैंने लिया है कॉटेज चीज, 1 कटोरी कॉटेज चीज, स्मॉल 1 कटोरी। उसमें 1 टेबलस्पून हमने बेल पेपर्स डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें कोरिएंडर लीव्स डाले हैं, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें ग्रीन अनियन डाला है, साथ में हमने डाला है 1 स्पून सोया सॉस, 1 स्मॉल स्पून सोया सॉस एंड ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट टू टेस्ट। इन सब चीजों को हमें मिक्स करना है और एक फिलिंग बनानी है इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो हमने आटा गूंदा था इसको मैंने रोल कर लिया है और इसके हम बनाएंगे ऑनवलप्स। अब मैं ये जो वेव वाटर है इसी को यूज करके थोड़ा सा इसके जो साइड्स हैं इनको गीला कर लूंगी, ये ऑनवलप सील करने में हेल्प करेगा। या आप पानी का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरे पास वे वाटर है तो मैं उसी को यूज कर रही हूँ और थोड़ी सी हम इसमें फिलिंग डालेंगे। और इसको फोल्ड करेंगे ऑनवलप की जैसे, लाइक एक साइड से हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, हाथ से फ्लैटन अप करेंगे और दूसरी साइड से भी उठाएंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और एक स्क्वायर ऑनवलप जैसे इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और हाथ से प्रेस कर देंगे और थोड़ा थोड़ा सा इस पे आटा डस्ट करेंगे हम, ये फ्लावर डस्ट करेंगे और थोड़ा सा पैट करेंगे। आप रोलिंग पिन को भी यूज कर सकते हैं मगर बहुत लाइट हैंड से हमें इसे रोल करना है और ये स्क्वायर हमारे ऑनवलप काइंड ये रेडी हो जाएंगे। इस तरीके से हमें ये मोटे ही बेल लेने हैं, ज्यादा हमें पतला नहीं करना। ये हमारे जो है ऑनवलप्स ये रेडी हो गए हैं। अब देखेंगे, मैं एक और बना के दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हम
इस डो से 3 ऑमलेट्स बनाएंगे। आई होप आपको रेसिपी क्लियर होगी, कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। ये सब कुछ हमने स्क्रैच से घर में ही बनाया है, कॉटेज चीज भी हमने घर में बनाया है अमूल गोल्ड मिल्क से। यहाँ पर मैंने यूज किया अमूल गोल्ड मिल्क और उसको हमने बॉईल करके उससे फ्रेश कॉटेज चीज घर में बनाया है। आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, बहुत ही डिफरेंट है। और ये भी वाटर से मैं इसके जो कॉर्नर्स हैं ये सील करने के लिए इसको गीला कर लूंगी। आप पानी का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये इसको चारों साइड से गीला कर लिया और इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ी सी फिलिंग। अगर कोई मोटे पीसेस है तो आप उसको हल्का सा दोबारा से क्रश कर लें। तो इस तरीके से हमने करा है और फिर हम स्टार्ट करेंगे इसको फोल्ड करना। इसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और हाथ से जेंटली प्रेस करेंगे। थोड़ा सा डेलिकेट होता है और इसको एक स्क्वायर शेप दे देंगे। इसके ऊपर फिर से मैं थोड़ा सा ये आटा डस्ट करूंगी और उसको हम रोलिंग पिन से बेलेंगे, सॉफ्टली बेलेंगे। तो यहाँ पर ये भी हमारा ऑमलेट जो है कॉटेज चीज ये हमने रेडी कर लिया है। अब मैं एक और बनाऊंगी। अगर हम पहले से इसके बॉल्स बना लेते हैं ना तो ये जल्दी से इजी हो जाता है बेलने में। मैंने नहीं बनाया तो थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, वरना अगर आप पहले से बॉल्स को बनाकर ढककर रखेंगे ना तो आप फटाफट इसको बेल सकेंगे। तो इस तरीके से हम बेल लेंगे। आप देखिए मैं कैसे फोल्ड कर रही हूँ उसको। तो ये हमने बेल लिया, फिर से कॉर्नर्स को मैं गीला कर लूंगी। गीला करने से ये प्रॉपरली सील हो जाते हैं और वही फिलिंग लूंगी मैं इसमें और इसमें ऐड करेंगे। और इसी तरीके से हम इसको फोल्ड करके स्क्वायर ऑनवेलप्स का शेप देंगे। और जेंटली प्रेस करते हुए इसको बेल लेंगे।
हल्का सा इसको रोल करेंगे, ये हमें थिक ही रखना है। तब तक मैं पैन को गर्म करने रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है ग्रिल पैन, उसको मैंने इंडक्शन पे ऑन कर दिया है ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। इस तरीके से हम शेप दे देंगे स्क्वायर, और यहाँ पर हमने ये 3 और मिलेट्स बना लिए हैं। यहाँ पर थोड़ा सा सोया सॉस लग गया। तो इस तरीके से ये हमारे जो ऑमलेट्स हैं ये रेडी हो गए हैं। आप देखेंगे तो अब मैं जो ये कैमरा है ये इंडक्शन पे और इंडक्शन की तरफ कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है अमूल का मेल्टेड बटर, तो ये बटर को मैं ऑनवलप्स पे लगा लूंगी ब्रश की हेल्प से, और हम इसको रखेंगे ग्रिल पैन पे। यहाँ पर मैंने लिया है अमूल का मेल्टेड बटर और वो मैंने इसको ब्रश से पे लगा दिया, अच्छे से ग्रिल मार्क कर लेंगे तब हम इसको पलटेंगे। दूसरी साइड भी मैं इसको ब्रश से ग्रीस कर दूंगी। को मैं देख लेती हूँ कि अभी और ग्रिल मार्क दोबारा से थोड़ा और कुक हो जाए, फिर हम इसको फ्लिप ओवर करेंगे। हेलो एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग। आज हम बना रहे हैं कॉटेज चीज ऑमलेट। थोड़ा सा फिर से ब्रश करेंगे बटर से। आपको ये आज की रेसिपी पसंद आ रही होगी। फिर से थोड़ा सा ब्रश करेंगे।
तरीके से हम सेक लेंगे इसको दोनों साइड से अच्छे से। तो आप देखेंगे कितने ब्यूटीफुल ये कॉटेज चीज ऑनलेट्स हमारे रेडी हो रहे हैं। तो अब इसको हम सर्व करेंगे सर्विंग प्लेट में। और साथ में इसको सर्व करने वाले हैं हम स्वीट अनियन सॉस के साथ। तो आई होप आपको ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही डिलिशियस है एज अ स्नैक, एज अ पार्टी स्टार्टर। आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन बॉक्स में डालिए तो ये रेसिपी रेडी है। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माय इंस्टा पेज इज हीना वलेचा। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग एंड थैंक यू टीम अमूल फॉर दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। एंड बाय एवरीवन।